दोस्तों साड़ी अज की कहानी विश्वास की कहानी है। अंग्रेजी का एक कथन है कि इफ यू कैन बिलीव इट दैन यू कैन अचीव इट। विश्वास सब चीज़ों तो उपर है। साड़ी अज की कहानी यही दिखाएगी कि किस तरह विश्वास के नाल तुसी अपनी मंजिल की प्राप्ति कर सकते हो। सो दोस्तों शुरू करते हैं साड़ी अज की कहानी। कोई 200 साल पहला जापान के दो राज्यों में युद्ध छिड़ गया। छोटा जो राज सी पैपीर सी, हार जाना उसका यकीनी सी। उसके कोल सैनिकों की संख्या घट सी, थोड़ी घट नहीं बहुत घट सी। दुश्मन कोल 10 सैनिक सन तो उस कोल एक सैनिक सी। उस राज दे एह सेनापतियां ने युद्ध विच जान तो ना कर दित्ती। उन्होंने कहा यह तो मूर्खता होगी कि असी अपने आदमियों नूं व्यर्थ ही कटवाउण लै जाइए। हार तो यकीनी है अते हार निश्चित है, तो असी अपना मूँह हार की कालख नाल पोचन जाण लई तैयार नहीं अते अपने सैनिकां नूं भी व्यर्थ विच कटवाउण लई साडी मर्जी नहीं। मरन की जगह हार जाना मुनासिब है, मर के भी हारना है। जित दी तां कोई संभावना मन्नी ही नहीं जा सकती। सम्राट भी कुछ नहीं सी कह सकता, गल सच सी, आंकड़े सही सन। फिर उसने पिंड विच वसे किसी फकीर नूं जाके बेनती कीती कि की तुसीं मेरी फौज दे सेनापति बन के जा सकते हो। यह उसके सेनापतियां दी समझ विच नहीं आई गल। सेनापति जदों इनकार करते हो तो एक फकीर जिसने कदे युद्ध लड़िया ही नहीं, जिसने युद्ध की गल ही नहीं की, यह बिल्कुल उल्ट आदमी नूं अगे करन दा की मकसद है। वह फकीर राजी हो गया। जिथे बहुते पेशावर लोग राजी नहीं होंदे, वह गैर पेशावर लोग राजी हो जाते हैं। वह फकीर राजी हो गया। सम्राट भी डरिया अपने मन विच, पर फिर भी ठीक सी, हारना सी तां मर के हारना ही ठीक सी। फकीर दे नाल सैनिकां नूं जाण विच घबराहट हुई। यह आदमी कुछ जानदा नहीं, पर फकीर इन्ने जोश नाल भरिया होया सी, सैनिकां नूं जाना पिया। सेनापति भी सैनिकां दे पिछे हो गए कि देखो हुंदा की है। जिथे दुश्मनां ने डेरे लाए हुए सन उत्थों थोड़ी ही दूर उस फकीर ने एक छोटे जिहे मंदिर विच सारे सैनिकां नूं रोकिया अते उसने कहा कि इस तों पहलां कि असीं चलीए घट्टो घट भगवान नूं कह दईए कि असीं लड़न चले हाँ, अते उस तों पुछ लईए कि तुहाडी मर्जी की है। जेकर हारना ही है तां वापस चले जाइए अते जेकर जिताउणा है तां ठीक। सैनिक बड़ी उम्मीद नाल मंदिर दे बाहर खड़े हो गए। उस फकीर ने अखां बंद करके ते हाथ जोड़ के भगवान नूं प्रार्थना कीती। फिर जेब विच्चों एक रुपया कढ़िया अते भगवान नूं कहा कि मैं इस रुपये नूं सुटदा हाँ, जेकर यह सीधा डिग्गिया तां असीं समझ लवांगे कि जित साडी होनी है अते असीं अगे वध जावांगे। जेकर यह उल्टा डिग्गिया तां असीं मन लवांगे कि असीं हार गए, वापस मुड़ जावांगे अते राजे नूं कह देवांगे कि व्यर्थ मरन दा प्रबंध ना करो, हार निश्चित है, भगवान दी भी मर्जी यही है। सैनिकां ने ध्यान नाल देखिया अते उसने रुपया सुटिया। चमकदी धुप्प विच रुपया चमकिया अते थल्ले डिग्गिया। उस सिर दे बल डिग्गिया सी, उह सीधा डिग्गिया सी। उसने सैनिकां नूं कहा हुण फिकर छड्ड दिओ, हुण ख्याल ही छड्ड दिओ, हुण तुहानूं इस जमीन ते कोई हरा नहीं सकदा। रुपया सीधा डिग्गिया सी, भगवान नाल सी। उह सैनिक जाके जूझ गए। 7 दिन विच उहनां ने दुश्मन नूं हरा दित्ता। उह जित्ते होए वापस गए। उस मंदिर दे कोल आके उस फकीर ने कहा हुण मुड़ के आपां धन्नवाद तां कर दईए। उह सारे सैनिक रुके। उहनां सब ने हथ जोड़ के भगवान नूं प्रार्थना कीती अते कहा तेरा बहुत धन्नवाद कि तूं जेकर इशारा ना करदा सानूं जित्तण दा तां असीं तां हार ही चुके सी। तेरी कृपा अते तेरे इशारे ते असीं जित्ते हाँ। उस फकीर ने कहा इस तों पहलां कि भगवान नूं धन्नवाद देवो, मेरी जेब विच जो सिक्का पिया है उसनूं गौर नाल देख लवो। उसने सिक्का कढ के दिखाया। उह सिक्का दोवें पासिओं सीधा सी, उह उल्टा डिग ही नहीं सी सकदा। उसने कहा भगवान दा धन्नवाद ना करो, तुसीं उम्मीद नाल भर गए जित दी, इस लई जित गए। तुसीं हार भी सकदे सी क्योंकि तुसीं निराश सी अते हारन दी कामना नाल भरे पए सी। तुसीं जाणदे सी कि हारना ही है। जीवन विच सब कम्मां दीआं सफलतावां इक गल ते ही निर्भर करदीआं हन कि असीं उहनां दी जित दी उम्मीद नाल भरे होए हाँ जां हार दे ख्याल नाल भरे होए हाँ। अते बहुत उम्मीद नाल भरे होए लोग थोड़ी समर्था नाल इन्ना कर लैंदे हन, जिन्ना कि बहुत समर्था हुंदे होए भी निराशा नाल भरे होए लोग नहीं कर सकते। समर्था दा मुल नहीं है, समर्था असली संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति तां उम्मीद है अते एक ख्याल है कि कोई काम है जो होना चाहिदा है,
जो होवेगा अते जिसनू करन लई असी कोई कसर नहीं छड़ांगे। दोस्तों कमेंट करके दसना तुहानू साड़ी एक कहानी किस तरह की लगी। धन्यवाद।